स्टार्टअप और स्वावलंबन जैसे क्षेत्र में युवाओं को जाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार सहायता दी जा रही है। इन सब के बावजूद सरकारी क्षेत्र की नौकरी पाने को लेकर युवा वर्ग कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है। ऐसे में नौकरी के स्तर और वेतन के आगे डिग्री की कोई कीमत नहीं रह गई है और न ही लिहाज। यही कारण है कि सफाईकर्मी के लिए एक पद की भर्ती के लिए सैकड़ों लोग आवेदन कर रहे हैं। पिछले काफी वर्षों से बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी बेरोजगारी पर निबंध लिखते आ रहे हैं। हर चुनाव में बेरोजगारी दूर करने और रोजगार देने के मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं और मतदाताओं के लिए लॉलीपॉप। इस आधार पर नेताओं की दुकान चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लंबा समय गुजरने के बाद भी बेरोजगारी का मायाजाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समय के साथ सरकारी नौकरी का क्रेज न केवल बढ़ रहा है, बल्कि ऐसी नौकरी पाने के लिए अधिकतम योग्यता रखने वाला वर्ग सामने आ रहा है। सरकारी नौकरी का ठप्पा लगवाने की चाहत का ही कमाल है कि छत्तीसगढ़ नगर सेना के द्वारा कोरबा जिले में सफाई कर्मचारी का एक पद भरने के लिए निकाली गई वैकेंसी में आवेदकों की लाइन लग गई। विभाग के जिला सेनानी ने बताया कि एक पद के लिए 200 से अधिक आवेदन आए हैं। कुल जो है आर स्टेशन में एक पद स्वीकृत है, जिसको जो है भर्ती इसमें लगभग 250 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। सफाई कर्मचारी पद के लिए नगर सेना ने आवेदक की योग्यता 5वीं उत्तीर्ण मांगी है, लेकिन कोरबा जिले में पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी नौकरी पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो नियुक्ति की जानी है उसके लिए कलेक्टर दर पर संबंधित को वेतन दिया जाएगा। इस अंशकालीन स्वीकृत के पद पर जो है एक से एक क्वालिफिकेशन के लड़के आए हुए हैं, जिसमें से MS पोस्ट ग्रेजुएट के लड़के आवेदन किए हुए हैं। अंशकालीन स्वीकृत के पद पर भर्ती है तो कलेक्टर दर के आधार पर लगभग ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि कलेक्टर में जो भी आदेश होता है उसके आधार पर बढ़ते करते रहता है, लेकिन 4000 और 4500 के बीच में रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ होमगार्ड की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर सफाई कर्मचारी का एक पद भरा जाना है, वह भी संविदा आधार पर। यानी यह नियुक्ति बहुत लंबे समय के लिए नहीं है और इसकी साफ साफ जानकारी आवेदकों को दी गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद 5वीं से लेकर कॉलेज और कई तरह की डिग्री रखने वाले लोग छत्तीसगढ़ होमगार्ड में सफाई कर्मचारी बनने को लेकर उतावले हैं। इससे यह भी पता चलता है कि स्वरोजगार पर आधारित योजनाओं में जोखिम उठाने को लेकर ऐसे लोगों की मानसिकता बिल्कुल नहीं है। कोरबा से पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।